पाकिस्तान जा रहे हैं हम, पाकिस्तान मुन्नी को छुड़ाने। हाँ तेरी भांजी है ना, मामा बोलेगी तेरे। 12:51 हो रहे हैं गाइस, हमारे 12 बज चुके हैं और समय 11:51 है। और ये था गाइस खालसा कॉलेज, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है हमारी अमृतसर ट्रिप की 4th वीडियो। इससे पहले आपने देखा गोल्डन टेंपल, हमारा घर से अमृतसर तक का सफर, अमृतसर की शॉपिंग, अमृतसर का खाना, तो जो आप लोगों को काफी अच्छा लगा। तो वीडियो लाइक करने के लिए थैंक यू, इसको भी लाइक करो और कमेंट करो। और अभी हम सीधा जा रहे हैं अटारी बॉर्डर। और एक बात, जो अमृतसर का ट्रैफिक है ना, वो पूरे देश में सबसे थर्ड क्लास है। रेड लाइट नाम की कोई चीज नहीं, कोई ट्रैफिक रूल नहीं मानता, कोई भी कहीं भी घुस रहा है। ऑल राइट गाइज, कैन यू सी द फ्लैग? ये है फ्लैग, अभी पता नहीं है इंडिया का फ्लैग है या पाकिस्तान का। यहाँ पर ये चेक पोस्ट है, अभी पता नहीं हमारी गाड़ी यहाँ से आगे जाने देंगे या नहीं, बट हम कोशिश करते हैं। आपको बताता हूँ आगे क्या अपडेट है। बड़ी नाम है यार, अच्छी बात ना। ऑल राइट, चेक पोस्ट से हम आ चुके हैं, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर 1 किलोमीटर। पाकिस्तान वालों ने इतना लंबा वो लगा रखा है झंडा की बहुत ही दूर से। हेलो 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 हेलो, फिर एक और चेक पोस्ट। चलो ये रिकॉर्ड नहीं करते हम, सीधा आगे ही मिलते हैं। ये है पार्किंग, ये पार्किंग के लगते हैं 25 रुपये, और एक बस की परली वाली साइड पार्किंग है उसके लगते हैं 120 रुपये। 120 वाली का फ़ायदा ये है कि निकलते वक्त जल्दी नंबर आ जाएगा, और आज संडे है तो हमने 120 वाली ले ली क्योंकि हमें लेट नहीं होना। बोल रहे थे कि इस पार्किंग में लगभग 2 घंटे फालतू लग सकते हैं इस वाली में निकलने में। पाकिस्तान जा रहे हैं हम, पाकिस्तान मुन्नी को छुड़ाने। हाँ तेरी भांजी है ना, मामा बोलेगी तेरे को। हाँ मामा, मुन्नी को छुड़ाने जा रहे हैं। कोई नहीं, मुन्नी को घर वापसी लाएंगे। कोई नहीं कोई नहीं, सलमान खान गलत छोड़ा है, गलत छोड़ा छोड़ा गाइस। टिप्स ले लो, टिप्स ये है कि कोशिश करो 2:30-3 बजे यहाँ पहुँच जाओ। टिप्स ये है, कोशिश करो 125 रुपए वाली पर्ची कटवाओ। वो तो मैंने बात बता दी 125 वाली, पर दूसरी टिप्स ये, आज संडे है तो बहुत भीड़ है, तो जितना जल्दी पहुंचोगे उतनी आगे की सीट मिलेगी, उतनी जल्दी देश प्रेमी हो जाओ। हाँ अभी हम जिस हिसाब से लाइन में लग रहे हैं, हमें तो पीछे की सीट मिलने वाली है, पर तुम टाइम से आ जाइयो, बगत्ते पहुंच जाइयो। हाँ नहीं तो कोई मजा ना है भाई, रोड़ा भी ना, पाकिस्तानी दिखेंगे भी ना कैसे हैं। ये वैसे पाकिस्तानी छोटा करो काली उड़ी में। सिक्योरिटी चेक इन हो चुकी है, और वहाँ पर उस साइड मुझे गेट दिख रहा है पाकिस्तान का, और आवाज़ भी बहुत तेज सुन रही है। अभी मैं GoPro से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद इतनी अच्छी आवाज़ ना सुन पाए, मेरे फ़ोन की स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल है, तो मैं वो तो जो मैं अंदर पहुँचाऊँगा रिकॉर्ड करूँगा। अभी भाग के आगे किसी की ड्रॉप हैं। थोड़े ज्ञान की बातें। पहली बात, वाघा बॉर्डर पाकिस्तान की साइड है, इंडिया में अटारी बॉर्डर है, तो कभी भी आप यहाँ जाएँ तो यूँ ना बोलें वाघा बॉर्डर जा रहे हैं, बोले अटारी बॉर्डर जा रहे हैं। दूसरी बात, लोअरिंग ऑफ फ्लैग्स सेरेमनी डेली शाम सनसेट से पहले होती है। हम विंटर्स में गए थे तो ये सेरेमनी 4 बजे शुरू हो गई थी।
आने वाले सीन्स पर थोड़ा ध्यान देना, कैसे बॉर्डर का गेट खुलता है और कैसे फ्लैग्स को लोअर किया जाता है। वीडियो में हमने कुछ भी नहीं दिखाया, पर जितना भी दिखाया उससे आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि क्या एनर्जी थी। वहाँ खड़े होके मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना मजा आ रहा था चिल्लाने में और भारत माता की जय बोलने में। इन दोनों का भी तजुर्बा पूछते हैं। हाँ भाई मित्रगणों, असली एनर्जी यही आ गया है। बात ऐसी है, तो हमने भी आज तक देखा था, हाँ, कारी बॉर्डर लेकिन जो यहाँ देखा था वो फील है भाई भाई यहाँ की। हाँ, YouTube पर कुछ भी नहीं है, मैंने भी YouTube पर देखा है। हम दिखा पाएंगे ना, बता पाएंगे, बता ही नहीं सकते। अगर रोंगटे ना खड़े हो जाए, आवाज में इतनी कंपन है, भूकंप की थी और हमें नींद आ रही थी तीनों को। मेरी तो अब नींद बिल्कुल खुल गई, मेरी आंखें बंद हो रही थी अब तक, जलंधर तक तो यार जी सीढ़ी ऊपर चढ़ी नहीं जा रही थी, खराब होने की देर है, इतना एनर्जी। मैं अगर मैं 15 मिनट और ये हो जाता ना तो मेरे तो भाई गले बैठ ही लेता। तो मजे आ गए, अब हम चलेंगे सीधा घर की ओर और रस्ते में बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाएंगे। एक बार जरूर आओ जिंदगी में, एक बार चाहे तुम कहीं जाओ या मत जाओ, यहाँ आओ और कहीं मत जाओ, भारत माता की जय बोलो
पाकिस्तान वालों की तो आवाज ही नहीं आ रही थी। सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ बस इन्हें एक कमी रह गई, नहीं उन्हें बोला अगर वो और बोल देते ना तो जी से आ जाते भाई साहब। वो बोल भाग एक हाथ पेट बाढ़ गिर जाता। हाँ भाई बहुत भयंकर वो था। चलो भाई मिलते हैं थोड़ी देर में। ओवर एंड आउट। व्हाट्स अप गाइस, तरन तारन पहुंच चुके हैं, अमृतसर जलंधर के बीच में तरन तारन। ये एक ट्रक खराब हो गया इस वजह का जाम, जिस वजह का थोड़ा सा जाम है। ओहो ट्रक ने पेल ली जी, ब्रीजा विटारा ब्रीजा को पेल दिया ट्रक ने, हमें क्या सानू की। तो बात ये है, अभी अभी हम तरन तारन में रुके थे, यहाँ से हमने ले लिया 4 रेडबुल, 3 बच्चा कोल्ड ड्रिंक्स के, कोको कोला एंड स्प्राइट मिक्सचर, सम नाचोस, सम चिप्स एंड पानी की बॉटल्स। तो अब हमारे पास इतनी सप्लाई है कि हमारे में एनर्जी बरकरार रहेगी। और हमने अभी ये प्लान बनाया कि हर वक्त एक आदमी सोता रहेगा और दो आदमी जगते रहेंगे। तो करंटली मॉडल सो रहा है, थोड़ी देर बाद रोटेशन चलती रहेगी। अब मैं आ गया हूँ कंडक्टरी सीट पर और कसाब इज ड्राइविंग। चलो विल कीप यू अपडेटेड। मिला ले ना मिला हुए तो ऐसी तैसी जा। हेलो गाइस, एनर्जी लेवल 0, समय हो रहा है के हो रहा है समय समय खराब हो रहा है। 12:11:51 हो रहे हैं, 12:11:51 हो रहे हैं गाइस। हमारे 12 बज चुके हैं और समय 11:51 है। अमन के ज्यादा बच्चे, अमन के ज्यादा। तो मैं थोड़ी देर सो गया था रास्ते में 40 मिनट, अदरवाइज उठा ही हुआ था। हर्ष कमान संभाल रहा है काफ़ी देर से, आई थिंक जलंधर लुधियाना के वहाँ से। और अब अमन की बारी है सोने की। हम रुके हैं अमन्स पर, यहाँ हमने खाना खाया बढ़िया, बटर तंदूरी रोटी, अमन के नाम का डिस्काउंट नहीं, कढ़ाई पनीर एंड एग करी, और साथ में सिरके वाली प्याज, हरी चटनी। ठीक था खाना, बढ़िया बढ़िया था खाना, है ना? अच्छा था, अच्छा था खाना। और अभी हमने लिया कॉफ़ी, मैं लाया हूँ अमेरिकानो, ये दोनों पी रहे हैं लाटे, और अब हम सीधे खाएंगे घर जाके लाते। समय हुआ है 4:15 AM, सुबह के 4:15, और मेरे बज रहे हैं 12। फाइनली घर पहुंच गए आराम से, बड़ी आराम से गाड़ी चलाई, कोई जल्दबाजी नहीं। पानी, रेडबुल, भजन और गानों ने पूरा साथ दिया हमारा, तो कोई नींद झपकी लटका कुछ नहीं आया, जबकि हम बहुत थके हुए थे। तो ये समय आ गया इस वीडियो और हमारी अमृतसर ट्रिप को फाइनली ऑफिशियली ख़त्म करने का। तो अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।